गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 7 अलाइज इन गोवा। हॉलीडेज आर द टाइम ऑफ रिक्रिएशन। चिल्ड्रन विजिट वेरियस प्लेसेस एंड डू मैनी एक्टिविटीज टू रिक्रिएट देमसेल्व्स इन हॉलीडेज। इन दिस चैप्टर टू चिल्ड्रन अलाइज एंड हेनरी वेंट टू गोवा टू विजिट विद देयर पेरेंट्स। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू नो हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडे। हॉलीडेज छुट्टियां क्या होती हैं? एक मजेदार होती हैं, मत घूमने का टाइम होता है। तो चिल्ड्रंस क्या करते हैं? जगह जगह जाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, फन करते हैं। तो इस चैप्टर में जो दो बच्चे हैं अलाइस और हेनरी, वो गोवा जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि वो अपने हॉलीडेज जो हैं, छुट्टियां जो हैं, कैसे स्पेंड करती हैं। अलाइस स्कूल क्लोज्ड ऑन 15 मई। इट वॉज हॉलीडे टाइम अगेन। अलाइस का स्कूल जो है 15 मई को बंद हो रहा था। अब छुट्टियां हो रही थी, स्टार्ट हो गई थी। डैड हैड प्रॉमिस टू टेक द फैमिली टू गोवा। अलाइस वॉज एक्साइटेड। डैड ने क्या था, प्रॉमिस किया था उसके फादर ने कि इस बार वो अपनी फैमिली को लेकर गोवा जाएंगे घूमने के लिए। तो अलाइस बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। ये स्कूल का लास्ट डे था। द होम बेल रंग। छुट्टी की घंटी बजती है। द चिल्ड्रन विश द टीचर हैप्पी हॉलीडेज। मैम, जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेज अपनी टीचर्स को क्या करते हैं, विश करके जाते हैं, हैप्पी हॉलीडेज कहते हैं। द टीचर सेड थैंक यू चिल्ड्रन। तो टीचर ने क्या जवाब में कहा, थैंक यू। विश यू द सेम। तुम्हारी विश है कि तुम्हारी भी जो छुट्टियां हैं बहुत अच्छे से बीते। इंजॉय योर सेल्फ, अच्छे से इंजॉय करना। अलाइस गॉट इन टू द बस। ऑल थ्रू द वे बैक होम शी वॉज ड्रीमिंग अबाउट गोवा। अब अलाइस जो है बस में बैठ के घर जाने के लिए, और वो क्या है, गोवा जाने के सपने देख रही है। ऑन 18 मई अलाइस वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। शी वोक हर ब्रदर अप। 18 मई को अलाइस ने अपने भाई को सुबह 6 बजे जगाया, खुद भी उठी और अपने भाई को भी उठाया। हेनरी वेक अप। हेनरी रब्ड हिज आईज एंड सेड व्हाई शुड आई। अब वो कह रही है उसको, हेनरी उठो, और हेनरी अपनी आंखें मलता हुआ कह रहा है कि मुझे क्यों उठा रही हो। हेनरी हैड फॉरगॉटन दैट दे वर लिविंग फॉर गोवा दैट डे। दे गॉट रेडी क्विकली। हेनरी क्या था कि भूल गया था कि आज उन्होंने गोवा जाना था उस दिन, और वो फटाफट जो है जल्दी से तैयार हो गए। मम एंड डैड वर ऑलरेडी अप। मम और डैड जो उसके पेरेंट्स है वो भी उठ चुके थे। डैड वॉज पुटिंग द बैग्स इन द कार। डैड जो है अब कार में बैग्स रख रहे थे। मम वॉज चेकिंग द गैरेज डोर। जो मदर थी वो गैरेज डोर चेक कर रही थी कि लॉक हुए कि नहीं हुए। हैव यू लॉक द डोर प्रॉपरली आस्क्ड डैड। तो डैड ने उससे पूछा कि तुमने अच्छे से दरवाजा बंद कर दिया है। तो मम ने क्या कहा, यस। शी वॉज पैकिंग सैंडविचेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इन अ कैरी बैग। अब उन्होंने क्या किया, मदर क्या कर रही है, सैंडविचेस सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं एक कैरी बैग में पैक कर रही है। हैव यू टेकन द गिटार, शी आस्क्ड डैड। आई हैव सेड डैड। तो अब वो अपने फादर से पूछ रही है, डैड से पूछ रही है कि डैड आपने गिटार ले लिया है। तो डैड कह रहे हैं हाँ मैंने गिटार ले लिया। दे लेफ्ट होम एट 7:30। 7:30 बजे के करीब उन्होंने वो घर से निकल गए। इट टुक देम 7 hours टू रीच गोवा। उन्हें गोवा पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। दे रीड कॉमिक्स फॉर अ वाइल। उन्होंने रास्ते में खूब सारी कॉमिक्स पढ़ी। व्हेन अलाइस एंड हेनरी सो द बीच दे वर थ्रिल्ड। जब उन्होंने अलाइस और हेनरी ने बीच देखा वहां पे, तो मतलब खुशी से झूम उठे, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। द वॉटर इज सो ब्लू सेड हेनरी। हेनरी ने क्या कहा कि जो पानी है बिल्कुल नीले रंग का है। द बीच इज लवली सेड अलाइस। अलाइस ने कहा कि बीच जो है बहुत सुंदर है। आई एम गोइंग टू स्विम सेड हेनरी। हेनरी ने कहा मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बिल्ड सेंट कासल सेड अलाइस। अलाइस ने क्या कहा कि मैं सेंट कासल, सेंट कासल्स क्या होते हैं, जो रेत के महल बनाए जाते हैं उन्हें सेंट कासल्स कहते हैं। तो वो रेत के जो है महल बनाने लग गई अलाइस। फर्स्ट यू मस्ट स्विम, इट्स अ गुड एक्सरसाइज सेड मम। तो मम ने कहा कि नहीं तुम पहले स्विमिंग कर लो, तैर लो, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। दे स्टेड इन अ होटल क्लोज टू द बीच। वो बीच के पास ही किसी होटल में रुके। दे कुड सी द सी फ्रॉम अ विंडो इन देयर रूम। उन्हें अपनी खिड़की से भी जो था सी जो है दिखाई दे रहा था। द फोर ऑफ देम स्वैम एवरी मॉर्निंग। वो हर रोज सुबह जो है स्विमिंग करने के लिए जाते थे।
इन द इवनिंग्स दे वेंट साइकिलिंग, शाम को वो सब साइकिलिंग करने जाते थे। डैड टुक अ लॉन्ग वॉक आफ्टर दैट, उसके बाद वो लंबे वॉक पे चले जाते थे। मम सैट एंड रीड बुक्स, और मदर थी जो बैठती थी और किताबें पढ़ती थी। अलाइस एंड हेनरी प्लेड थ्रू द डे, और अलाइस और हेनरी सारा दिन खेलते थे। इट वॉज अ ग्रेट हॉलीडे, ये बहुत अच्छी छुट्टियां थी।